ਭਾਣ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਬਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਾਲ ਵਗੈਰਾ ਸੈੱਟ ਸੂਟ ਕਰਕੇ ऐसे हैं कि मैं और थारा भाई जुगिंदर अभी हम लेने आए हैं अपने लेंजी के लिए टिक्स के लिए स्प्रे, क्योंकि वो हम लोकल मार्केट से पता किया था, वहां से हमें मिला नहीं, तो अभी हम कैंट आए हैं सीएसडी, इधर से स्प्रे लेंगे और देखते हैं हमें मिलता है इधर से कि नहीं मिलता, और ये लेके फिर आगे चलेंगे। अभी हमने अपनी हयाबूसा रेड वाली इधर खड़ी कर दी है, और ये मेरा भाई जुगिंदर, और ये आपका भाई समर अब्बास, और अभी हम जा रहे हैं अंदर तो देखते हैं स्प्रे मिलता है कि नहीं मिलता। तो पाए ना, यो चलिए तो यार उधर ये वाले सारे स्प्रे लगे हुए थे, हमें ये स्प्रे नहीं चाहिए, इस वजह से हम फिर यहाँ से चले गए। हाँ तो अभी हम बाहर आए हैं, वहाँ से तो हमें कोई स्प्रे समझ नहीं था आया, तो अभी हम दूसरी जगह जा रहे हैं, उधर से जाके स्प्रे देखेंगे। चलें फिर तकी साहब, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी की बाइक पे बैठ रहा है, देखो इसको पता भी नहीं अपनी बाइक कौन सी है। ये है हमारी बाइक। जुगिंदर ये दोबारा से अभी टेंट आ गए हैं, तो अभी हम इधर ही घूम रहे हैं, तो देखते हैं अब घर जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। तो हमें अभी शैम्पू नहीं, वो स्प्रे नहीं था मेरा, तो अभी हम डॉक्टर उमेर के क्लिनिक जा रहे हैं, वो कुत्ते के पिल्ले के डॉक्टर है, कुत्ते पिल्ले के डॉक्टर मतलब वेट है, तो अभी हम उधर जा रहे हैं, तो वहाँ से स्प्रे लेंगे। तो जो हमने स्प्रे ढूंढना है वो स्प्रे तो हमें मिल नहीं रहा, तो अभी हम आए हैं इधर टेंट में उमेर पेट क्लिनिक्स, तो इधर से अब हम स्प्रे ले गए। तो तीन दुकानें घूम के हमें आखिरकार उमेर पेट्स क्लिनिक से ये स्प्रे मिल ही गया, जो हम अपनी लेंजी को लगाएंगे। तो ये मेरा भाई जुगिंदर, और ये उमेर पेट क्लिनिक, और ये भी हम अपनी हयाबूसा निकालने लगे, और अब हम जा रहे हैं लेंजी के पास। लेंजी दिखाऊंगा, सब्र करो, रुको जरा, सब्र करो, लेंजी इंशाल्लाह आपको किसी और दिन दिखाऊंगा। तो ये देखिए ऊंट, और ये देखिए ऊंट का बच्चा कितना लंबा रास्ता है। तो ये देखिए, ये बेड़ा भाग चुका था, ये बेड़ा फूल हो चुका है, और ये इसके पास रुक चुका, ये अब बहुत कोशिश के बाद पकड़ा गया है, फिर भाग गया। तो बस मुंह बंद कर, अब मैं बताता हूँ। तो अभी इधर बारिश इतनी तेज हो रही है कि मैं अपने कजन को उसके घर छोड़ने आया था, तो वहां से अपने घर वापस ही नहीं गया। अभी आपको नजर तो नहीं आएगी, लेकिन आप आवाज को महसूस करें, महसूस करके आप अंदाजा लगाएं। और ये है मेरा कजन, और ये मैं, और ये हेलो गाइस। हां तो अभी बस खत्म, टाटा बाय बाय, गुड बाय, तो बाद में हम करते हैं। तो हुआ कुछ ऐसे कि कसम रोड क्रॉस कर रहा था पैदल पैदल, और दो लड़के एक मोटरसाइकिल पे थे, उनको कोई कीड़ा तंग कर रहा था, जो उनको बाइक की सीट पे आराम से बैठने नहीं था दे रहा, तो वो ऐसे zigzag मारते हुए ना आ रहे थे। अभी आप चेक करो, ऐसे आ रहे थे। तो सेम यही कीड़ा उन बाइकर के अंदर भी था, तो फिर वो कसम को आके लगे, तो एक सदम हुआ बूम, कसम को नोज पे बंदे का साड़ लगा, तो नोज पे साड़ लगने की वजह से उसको ब्लीडिंग हो रही थी काफी ज्यादा। तो वहाँ पे फिर दो लड़के थे, वो कासिम को पकड़ के हॉस्पिटल लेके गए, तो उन्होंने मुझे कॉल की कि आप कासिम के भाई हो, कजन हो। मैंने कहा मैं भाई भी हूँ, कजन भी हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप डॉक्टर के पास आ जाओ, तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया। तो आगे के सीन कुछ ऐसे है। अपनी तस्वीरें बना रहे, चेक करें, नाक सीधा तेरा, तो अभी मैं कासिम का एक्सीडेंट हो गया था, तो उसका पता लेने आया हूँ, आज कल एक्सीडेंट हुआ था, जिसका पता लेने आया हूँ। तो ये देखें, ये है। हेलो गाइस, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। गाइस अब इसके हाथ में भी पट्टी लगी हुई है, चेक करें। तो गाइस अब इसका नाक चेक कराएं भाई। ये भी मैं कासिम का एक्सरे करवाने आया हूँ, क्योंकि जब इसका एक्सीडेंट हुआ तो इसे ऐसे लगा कि इसका नोज जो है ना टेढ़ा हो गया है, तो घर लगा हुआ था, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरा नोज टेढ़ा हो गया है। तो अभी हम एक्सरे करवाने आए हैं, तो एक्सरे करवा के आया,
थोड़ी देर तक हमें रिपोर्ट मिल जाएगी। और अभी हम इसका नोट चेक करते हैं। तो अभी हमें ये रिपोर्ट मिल गई है कासिम की। चेक किसको करने आती नहीं है रिपोर्ट के अंदर क्या है, बस अपने से बड़ा बना हुआ है कि देखता हूँ क्या है। समझ इसको कुछ नहीं आ रही कितना एक्सरे के अंदर है क्या। समझ ही नहीं आ रही इसको। लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट वाला आपका नोज का होल है, वो राइट वाला आपके नोज का होल है। बेचारे को समझ कुछ आ रही नहीं, चेक कर रहा है। इधर आया, मैं आपको बताता हूँ, मेरी तरफ कैमरा कर रहा है। कैमरा देख के अब पकड़े, कैमरा मेरी तरफ कर रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये लेफ्ट वाला जो इसका नोज है ना, ये बिल्कुल ठीक है। ये राइट वाला ना देखे, इधर से गड़बड़ भी है। ये नहीं, ये देख। वो अपनी फिलोसफियां ना हमारे घर जाके पापा को चेक कराएंगे। चलो बाकी मैं भी अब इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मिलता हूँ। अपनी फिलोसफियों को मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ, तो इंशाल्लाह बाद में मिलते हैं।